बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में अब हम स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स। स्टेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? An object moving with a linear momentum p has direction stability. Has direction stability, linear momentum में direction जो होती है वो same रहती है और magnitude जो होती है वो vary कर सकती है। बात हो रही linear momentum की, p is equal to m v। तो जब velocity की direction same रहेगी तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी सेम रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर है। ठीक है, जब आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वेक्टर मिलता है। अब जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही लीनियर मोमेंटम की होती है। सो अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर मोमेंटम, तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी, स्टेबल रहेगी। नाउ इफ अ फोर्स एफ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पी। ये देखिए फिगर में कि फोर्स एफ लग रही है एक बॉडी के ऊपर और बॉडी की जो मोमेंटम है वो क्या है? पी है। अब जब डायरेक्शन फोर्स की फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगा मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगी। वेलोसिटी में चेंज कैसे आई? मैग्नीट्यूड चेंज हुई या डायरेक्शन चेंज हुई? मैग्नीट्यूड चेंज हुई। तो जब मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो जो मोमेंटम होगा पी से चेंज होके डेल्टा पी हो जाएगा। क्यों? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हुई है। फोर्स लगने से वेलोसिटी में इजाफा होता है या कमी वाक्य होती है। तो यहाँ पे इस केस में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है। आप देखें फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोमेंटम होगा वो बढ़ जाएगा, बढ़ के डेल्टा पी हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कब? जब फोर्स परपेंडिकुलर लगाई गई है। ठीक है, क्या हुआ अब इसको? अब पी ए लीनियर मोमेंटम था, अब डेल्टा पी ये चेंज है कि फोर्स हमने अपवर्ड लगाई है। फोर्स अपवर्ड, तो जो नेट चेंज आई वो या रिजल्टेंट चेंज कितनी होगी? पी प्लस डेल्टा पी, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। पी प्लस डेल्टा पी इसको रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक, अब हमने क्या किया? हाँ, फोर्स लगाई गई है परपेंडिकुलरली, ये पहले बॉडी मूव कर रहा था। जब परपेंडिकुलर फोर्स लगाई गई तो उसका मतलब क्या हुआ? बॉडी की डायरेक्शन बदल जाएगी, जिससे हम क्या कहेंगे? मोमेंटम में चेंज आ गई है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी होता है। ये हम जानते हैं सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ मोशन एंटर मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ होता है। तो यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन गया डेल्टा पी इज इक्वल एफ डेल्टा टी। एज अ रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड बाय एंगल। कितने एंगल पे डायरेक्शन चेंज हुई? थीटा एंगल पे। जी, ये कब है? आई रिपीट, पहले मैंने थोड़ा सा शायद गलत कहा है। कब? जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं बॉडी की, मूविंग बॉडी की, तो बॉडी जो है वो फिर सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है, या उसकी जो जब परपेंडिकुलर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में जो है बॉडी अब उसमें मोमेंटम में चेंज आएगी। क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है तो फोर्स ऐसे लगाई गई है, पहले फोर्स ऐसे लग रही थी, ये पहले इनिशियल जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था उस वक्त की बात है। ये उस वक्त लीनियर मोमेंटम चेंज है। ए फिगर है, कब? जब फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा था, ये लीनियरली बात हो रही है।
लेकिन जब हमने फोर्स लगाई बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलरली ऐसे अपवर्ड, तो अब जो मोमेंटम है वो अपवर्ड चेंज हुआ ये डेल्टा पी, ये ख्याल करना बात का। तो ये एक्चुअल मोमेंटम था, ये चेंज इन मोमेंटम है और ये रिजल्टेंट मोमेंटम आ गया या फोर्स परपेंडिकुलर लगी पी प्लस डेल्टा पी। तो ये जो एंगल कितना होगा, ये एंगल हम राइट एंगल ट्राइंगल से निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस होता है परपेंडिकुलर डेल्टा पी, डेल्टा पी ओवर पी। ठीक, हमारे पास टेन थीटा क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल डेल्टा पी ओवर पी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ये बनता है, बेस ये बनती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये हमारा आ गया टेन थीटा, और थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स डेल्टा पी ओवर पी ये हमारा आ गया। द सेम डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद लार्ज लीनियर मोमेंटम, कि जो सेम जो हमने फोर्स लगाई थी ना स्ट्रेट लाइन में, अब वही फोर्स लगाई है आपने अपवर्ड परपेंडिकुलर लगाई थी। ठीक है, और उससे क्या हुआ, प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन एक बॉडी के अंदर, थीटा मीन स्मॉल डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, वो बॉडी डिफ्लेक्ट कर देगा ऊपर की तरफ चला जाएगा विद लार्ज लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम उसका ज़्यादा है लेकिन उसकी डिफ्लेक्शन जो है उसके अंदर मामूली सी प्रोड्यूस हो जाएगी, इन वो ऐसे मूव करते करते स्ट्रेट मूव करते करते थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे टिल्ट कर देगा, ऐसे मर जाएगा। ठीक है, इस तरह ये रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, यूँ थोड़ा सा ये थीटा एंगल पे जो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नो सिमिलर एग्जाम्पल कैन बी गिवन टू द एंगुलर मोमेंटम, अब उसी तरह हम अब एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी वही वाली एग्जाम्पल जो है वो जिसमें हमने लीनियर मोमेंटम के लिए पढ़ा, अब एंगुलर मोमेंटम के लिए भी हम उसी तरह डिस्कस करते हैं। इसके लिए सपोज अ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट हैज़ अ सर्टन एंगुलर मोमेंटम, सपोज हमारे पास ये एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है, एक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सिस है और बॉडी जो है वो इस तरह स्पिन कर रहा है, जब स्पिन कर रहा है तो डेफिनेटली इट हैज एंगुलर मोमेंटम, और वो होता है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इसका एंगुलर मोमेंटम है एल। ठीक, अब इसके अगर तो हम टॉर्क लगाएं इसी डायरेक्शन में, तो अब उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो चेंज होगी लेकिन जो एक्सिस होगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मीन जो डेल्टा एल चेंज आएगी वो मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी क्योंकि उसी डायरेक्शन में लगाया जा रहा है टॉर्क। अगर हम टॉर्क लगाएं इसी स्पिनिंग बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलरली, ऐसे टॉर्क लगाएं जिस तरह हमने फोर्स लगाई थी अपवर्ड, अब टॉर्क लगाएं अपवर्ड, क्या होगा, जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो अब थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर जाएगा, एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी स्ट्रेट की जाए ऐसी चली जाएगी, ये एक्चुअल स्ट्रेट थी एल, ये आई चेंज इसमें। ठीक, इस तरह डेल्टा पी था ना उसी तरह डेल्टा एल, ये बन गया डेल्टा एल और ये बन गया नेट कितना, एल प्लस डेल्टा एल, जिस तरह वहाँ पे पी प्लस डेल्टा पी था ना उसी तरह एल प्लस डेल्टा एल, और ये हमारा बन गया एंगल थीटा। ठीक, सपोज अ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है सर्टन एंगुलर मोमेंटम एल, अटाक एक्ट्स अटाक यू अटा परपेंडिकुलर टू एल चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ एल, एल की डायरेक्शन बदल गई है वही हो गई, एंड हैंस द डायरेक्शन ऑफ एक्स रोटेशन बाई एंगल, और इस तरह एक्स रोटेशन की एंगल भी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो वो कितनी है, अगेन हम कैलकुलेट करेंगे बाई सेम मेथड, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस डेल्टा एल ओवर एल, टेन थीटा और थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स डेल्टा एल ओवर एल आ जाएगा, सर पीछे हमने पढ़ा लीनियर मोमेंटम के लिए डेल्टा पी ओवर पी, थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स डेल्टा पी ओवर पी, अब डेल्टा एल ओवर एल। द सेम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, सर वहाँ पे था
कि स्मॉल डिफ्लेक्शन आई थी, उसी तरह यहाँ भी स्मॉल चेंज आई है एक्सिस ऑफ रोटेशन में ऑफ द स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स। व्हेन वी गिव एन ऑब्जेक्ट रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम फॉर द सिमेट्री एक्सिस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एक्सटर्नल फोर्सेज टू चेंज द ऑरिएंटेशन। एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएं भी तो उससे उसकी जो ऑरिएंटेशन होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो चेंज ज़्यादा नहीं होती है। इस तरह लीनियर मोमेंटम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, स्मॉल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई थी, उसी तरह इसमें भी डिफ्लेक्शन तो प्रोड्यूस होगी लेकिन वेरी स्मॉल होगी, नेग्लिजिबल होगी। देर आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इफेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम अप्लाई करेंगे। अ राइडरलेस बाइसिकल गिवन अ स्लाइट पुश इज एबल टू रिमेन अपराइट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस देन वी माइट एक्सपेक्ट। एक साइकिल है, उसको अगर आप धक्का दो तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहता है, गिर जाएगा डेफिनेटली, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इन दिस केस इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग व्हील्स दैट गिव्स अ स्टेबिलिटी। तो उसके जो व्हील्स होते हैं वो क्योंकि अपनी गिर्द घूमते रहते हैं, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसकी डायरेक्शन को सेम रखने की कोशिश करते हैं। उसी तरह अ फुटबॉल इज थ्रोन फॉर अ लॉन्गर फॉरवर्ड पास सच दैट इट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस दैट इज रफली पैरेलल टू इट्स ट्रांसलेशन वेलोसिटी। जिधर फेंका गया था उसी डायरेक्शन में वो ऑलमोस्ट वो मूव करता रहता है। दिस स्टेबलाइजेज द ऑरिएंटेशन ऑफ द फुटबॉल एंड कीप्स इट फ्रॉम टम्बलिंग, ठीक, विच मेक्स इट पॉसिबल टू थ्रो मोर एक्यूरेटली एंड कैच मोर इफेक्टिवली। इट ऑल्सो कीप्स द स्मॉलेस्ट प्रोफाइल ऑफ फुटबॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देयर बाई मिनिमाइजिंग एयर रेजिस्टेंस एंड इंक्रीजिंग द रेंज एंड हेंस लॉन्गर पास कैन बी गिवन। अल्लाह हाफिज़।